दूसरे टी20 मुकाबले में गिल को एक नहीं दो नहीं बल्कि करने होंगे तीन खेल, वरना जिम्बाब्वे श्रृंखला में ही हो जाएंगे कप्तान गिल बुरी तरीके से फेल। हाँ, ये जिम्बाब्वे श्रृंखला जो बिल्कुल ही निरस दिख रही थी, इस जिम्बाब्वे श्रृंखला पर जहां किसी का भी ध्यान नहीं था, वो जिम्बाब्वे श्रृंखला बिल्कुल ही दिलचस्प बन बैठी है, क्योंकि भारतीय टीम पहले मुकाबले में हार गई है, 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम के जो आईपीएल के शेर थे वो धाराशायी हो गए हैं, चारों खाने चित हो गए हैं और शुभमन गिल बतौर कप्तान पहले मुकाबले में फेल हो गए हैं। अब शुभमन गिल को आत्ममंथन करने की जरूरत है, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन बड़े खेल करने की जरूरत है दूसरे टी20 मुकाबले में, वरना शुभमन गिल जिम्बाब्वे श्रृंखला में ही फेल हो जाएंगे, बतौर कप्तान बतौर खिलाड़ी विफल हो जाएंगे। तो अपने इस रिपोर्ट में हम आपको ये समझाने वाले हैं, हम आपको ये बताने वाले हैं पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से कि भैया जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में आखिरकार कप्तान गिल को क्या क्या चीजें सही करनी होंगी, अन्यथा भारतीय टीम दूसरा टी20 मुकाबला अगर हारी तो वो फेल हो जाएंगे, बुरी तरीके से विफल हो जाएंगे, और जो कप्तानी का कैरियर वो सोच रहे हैं कि भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे आगे आने वाले भविष्य में, वो इसी श्रृंखला में बुरी तरीके से विफल हो जाएगी, लैंडिंग सही नहीं हो पाएगा। तो आइए देख लेते हैं, आपको बताते हैं जो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम शुभमन गिल को करना है कि आईपीएल के सितारों को समझाना है, बताना है। शुभमन गिल के पास अपार अनुभव है, वो आईपीएल भी खेले हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी खेले हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। तो जो आईपीएल के सितारे हैं, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे रियान पराग हो, चाहे ध्रुव जोरेल हो, उनको बताना है कि स्थितियों पर स्थितियों का सम्मान करिए गुरु। ये आपको नहीं सोचकर चलना है कि जिस तरीके से आईपीएल के पिचों पर खेले थे वैसे ही यहां पर खेलेंगे, वहां पर रोड जैसी पिचे थी तो आप पहली गेंद पर चौका छक्का मार रहे थे, यहां पर पहले तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाइए, ये आपका पहला मैच है तो उसका सम्मान तो करिए, पहले खाता तो खोलिए, फिर आगे बढ़िए, फिर आप अपने एटीट्यूड में खेलिए, फिर आप अपना टैग जो लेकर आए उसके साथ खेलिए, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करिए, कोई बात नहीं है, कोई उसमें परहेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिस्थितियों का सम्मान करना सीखिए। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हर एक खिलाड़ी को सिखाता है, चाहे जितना ही विध्वंसक, चाहे जितना ही निडर, चाहे जितना ही निर्भीक, चाहे जितना ही बेबाक वो क्रिकेटर क्यों ना हो, परिस्थितियों का सम्मान करना आना चाहिए। वहीं पर चूक हुई है भारतीय टीम के बल्लेबाजों द्वारा, चाहे हम रियान पराग की बात कर लें, चाहे हम अभिषेक शर्मा की बात कर लें, चाहे हम ध्रुव जोरेल की बात करें, ये तीनों जो डेब्यूटेंट खिलाड़ी थे इन्होंने परिस्थितियों का सम्मान नहीं किया, इन्होंने पिच कंडीशन का सम्मान नहीं किया, इन्होंने मुकाबले में जिम्बाब्वे का सम्मान नहीं किया, जिस कारण से भारतीय टीम का यह हश्र हुआ है। ये शुभमन गिल को इन युवा लड़कों को समझाना होगा कि भाई परिस्थितियों का सम्मान करो। दूसरा, जिम्बाब्वे टीम को देना होगा पूरा सम्मान। अब ये नहीं समझना होगा कि जिम्बाब्वे टीम तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, जिम्बाब्वे टीम तो 20 टीमों में भी अपना नाम नहीं दर्ज करा पाई। जिम्बाब्वे टीम बहुत टैलेंटेड टीम है, हाँ यहाँ पर जरूर बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये नाम अपने पिचों पर, अपने सरजमी पर आपको मात देने के लिए काफी, आज आपने पहले मुकाबले में देखा है, प्रेशर सिचुएशन में जरूर जिम्बाब्वे ढहती है, हमने देखा हुआ है वो प्रेशर सिचुएशन। आप मत सोचिए कि वो क्वालिफाइंग के दौरान जो इनके खिलाड़ियों के ऊपर होता है, ये बायलेटरल श्रृंखलाएं में भी होगा। हमने भारतीय टीम की बायलेटरल श्रृंखलाएं देखी हुई हैं कि वर्ल्ड कप के अलावा कैसा खेलते हैं, वैसा जिम्बाब्वे भी खेलती है। तो इनको अच्छी टीम मानिए, इनको सम्मान दीजिए, बतौर अपोनेंट सम्मान दीजिए, तब जाकर आप दूसरे मुकाबले में वापसी कर पाएंगे। अगर आप इनका सम्मान नहीं करेंगे, इनके गेंदबाजों का सम्मान नहीं कर पाएंगे, तो भैया लेने के देने हो जाएंगे। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी कमजोर है, लेकिन गेंदबाजी कतई कमजोर नहीं है, गेंदबाजी को सीरियसली लीजिए। ब्लेसिंग मुजरबानी बड़े बड़े गेंदबाजों में से आते हैं, एक एक रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर यही स्विंग वाली पिच होती तो फिर हवा नहीं लगता भारतीय टॉप ऑर्डर्स को ब्लेसिंग मुजरबानी के सामने। उसके अलावा लुक जांगवे भी एक खतरनाक डेथ बॉलर्स हैं, एक खतरनाक टी20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं। टिंडई चटारा भी रह कर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्विंग मिला तो बहुत घातक गेंदबाजी करने लगते हैं। सिकंदर राजा, आईपीएल का अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बहुत खेला हुआ है, 38 साल का उम्र है, तो भैया गेंदबाजी में दमखम है, तो बतौर ओपोनेंट जिम्बाब्वे का सम्मान करिए। तीसरा, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचअप्स का ध्यान मत दीजिए, जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के खिलाफ ये मत देखिए कि वाशिंगटन सुंदर को सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ लगाना है, राइट हैंडर्स के खिलाफ नहीं है, ये सब मत नहीं चलेगा। दो ओवर अभिषेक शर्मा का जाया किया गया, 17 रन अभिषेक शर्मा ने उसमें खर्चे हैं, ये ऐसी पिच नहीं थी जहां पर आप हल्के मिले सकते थे।
यहां पर मैचअप छोड़िए, आप प्रमुख गेंदबाजों को लगाइए, सुंदर हर एक बल्लेबाजों के ऊपर हावी हो जाएंगे, सुंदर हर एक बल्लेबाजों के छक्के यहां पर जिम्बाब्वे के छुड़ा सकते हैं। ये जिम्बाब्वे टीम है, आप अपने पांच प्रमुख गेंदबाजों को पूरा सम्मान दीजिए, पूरा मौका दीजिए, उनके साथ जाइए और मैचअप को भूल जाइए। तो ये तीन बड़ी चीजें शुभमन गिल को अपनानी होंगी, अन्यथा भैया ये जिम्बाब्वे श्रृंखला में ही फेल हो जाएंगे, इनकी जो उड़ान है बतौर कप्तान वो लैंड नहीं कर पाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये तीन राय कैसे लगे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।